subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. Hello everyone, welcome to the Sunshine Study. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. तो आज हम कवर करेंगे पाइपिंग सिस्टम अल्टरनेटिव फिलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री. ठीक है, ये सब मैं कवर करा चुकी हूँ. आज पार्ट थ्री हम कवर करेंगे. ठीक है, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पार्ट वन एंड पार्ट टू. इन तीनों पार्ट को आप कवर कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पाइपिंग सिस्टम के, राइट, जितने भी एग्जाम में बनते हैं. चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. यहाँ पे टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 8 आवर्स. ठीक है, पाइप ए पहले ओपन होता है. ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे में चलते हैं. पहले पाइप ए ओपन होगा, देन बंद होके पाइप बी ओपन होगा, तब ये बंद हो जाएगा, देन पाइप ए ओपन होगा. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव आवर्स. तो पहले ए पाइप ओपन होगा तो 12 घंटे में ए भरेगा, 8 घंटे में बी भरेगा. तो टोटल लीटर कितना भरना है, 24 लीटर. कैसे निकालना, दोनों का एलसीएम लिया. एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकलेगी. दो एफिशिएंसी किसकी आएगी, ए की आएगी. 12 दूनी 24, 8 3 जा 24. ठीक है, तो यहाँ से 3 एफिशिएंसी आपकी बी की आ गई. तो टोटल हमें 24 लीटर भरना है. ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, राइट. यहाँ पे 2 आवर्स में कितना फिल हो रहा है, 5 लीटर फिल हो रहा है. ठीक है, कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे एक आवर में ये 2 लीटर फिल कर रहा है और ये एक आवर में ये 3 लीटर फिल कर रहा है. तो टोटल 2 आवर्स में कितने लीटर फिल हो रहे हैं, 5. ठीक है, तो 24 लीटर टोटल फिल करना है. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 24 फिल करना है तो हम कितने मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको. ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 4 से, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो 8 आवर्स में कितने फिल हो रहे हैं, 20 लीटर फिल हो रहा है. ठीक है, देखिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका 4, ठीक है, जिससे आपका 24 आ जाए एग्जैक्ट, या तो 24 से लेस देन नंबर आ जाए. ठीक है, लेस नंबर आ जाए आपका. तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ रहा है. अगर मैं 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखिए 25 हो जाता, बट हमें फिल कितना करना है, 24. इसलिए मैंने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो 20 लीटर तो यहाँ पे फिल हो चुका है. ठीक है, बचा कितना, यहाँ से 4 लीटर और फिल करना है. तो 4 लीटर कौन फिल करेगा, यहाँ पे देखिए 8 घंटे. ठीक है, सबसे पहले ए ने चालू किया था भरना, तो पहले ए ने स्टार्ट किया, फिर बी ने भरा, फिर ए ने, फिर बी ने. ठीक है, ऐसे करके हमने 8 आवर्स निकाल दिए. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 आवर्स पे किसने भरा, बी ने. तो अब कौन भरेगा 9 आवर्स पे, मतलब 9 टाइम पे कौन भरेगा, 9 आवर्स में ए भरेगा. ठीक है, कितना भरेगा ए, 4, जो बचा हुआ पार्ट है भरने का, 4 बचा ना यहाँ से, तो 4 भरेगा. कौन भरेगा 9th में, ए भरेगा. तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है. कितना टाइम लग चुका है, 8 घंटे यहाँ पे लग चुके हैं पहले. ठीक है, तो कैंसिल कर दोगे तो 8 + 2 आवर्स यहाँ पे टोटल आवर्स लगेंगे फिल करने में टैंक को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स 8 आवर्स. ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, बी अगर सबसे पहले ओपन होगा तब कितने टाइम पे भरेगा. ठीक है, तो यहाँ से ले लिया हमने, ये हो गया 24, ये हो गया 2, ये हो गया 3. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 यूनिट फिल होगा कितने घंटे में, 2 घंटे में. ठीक है, तो यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट. ठीक है, 8 आवर्स में 20 यूनिट फिल होगा. 4 लीटर और फिल करना है हमें. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए 4 लीटर फिल करना है. तो अब यहाँ से क्या हो गया, पहले ए ने, पहले बी ने भरा, फिर ए ने भरा, फिर बी ने भरा, फिर ए ने भरा. ठीक है, ऐसे करके हमने कितने निकाल दिए, यहाँ पे 8 आवर्स लिख लिए. ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8. ठीक है, 8वें नंबर पे किसने भरा, ए ने. अब कौन भरेगा लास्ट में, बी भरेगा 9वें नंबर पे. तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 4/3 हो जाएगा. और पहले कितने घंटे लग चुके हैं, 8, 8/4 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 12, 15, 20 आवर्स. यहाँ पे ये 12 हो जाएगा,
ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा फिल करने में यहाँ पे, ठीक है? 60 यूनिट फिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 5 60, 14 5, ठीक है? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है? हमें क्या करना है, देखिए ये आपका टैंक है, उसने बोला है कि ए इज ओपन ऑल द टाइम, बी एंड सी आर ओपन फॉर अल्टरनेटिव आवर्स, यानी कि ए तो आपको ओपन है हमेशा, लेकिन बी और सी अल्टरनेटिव में चल रहे हैं, यानी कि पहले ए ए प्लस बी बढ़ेगा, फिर ए प्लस सी, देन ए प्लस बी, देन ए प्लस सी, ठीक है? ऐसे ये फिलिंग होती जाएगी जब तक आपका 60 यूनिट फिल होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए प्लस बी बढ़ेगा, यानी कि ए प्लस बी 1 घंटा लेगा, 1 घंटे में कितना भर रहा है, ए प्लस बी 9 यूनिट फिल कर रहा है, फिर नेक्स्ट घंटे में, 1 घंटे में कौन भरेगा, ए प्लस सी, वो कितने यूनिट कितने लीटर भर रहे हैं, 1 लीटर, 2 घंटे में कितनी फिलिंग हो रही है, 2 घंटे में यहाँ पे 17 लीटर फिल कर रहा है, ठीक है? अब हमें तो भरना है 16 लीटर, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 आवर्स में 51 लीटर फिल हो रहा है, ठीक है? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती तो 60 से ज़्यादा हो जाता, 17 4, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 17 3 जो हो गए 15 लीटर फिल हो रहा है 6 घंटे में, ठीक है? अब कौन, अब क्या बचा आपका, 60 माइनस 51 कर दोगे तो 9 लीटर अभी भी बच रहा है भरने में, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे आवर्स, ए प्लस बी देन ए प्लस सी, तो यहाँ से आप कितने कितने घंटे काउंट करोगे, यहाँ पे 6 आवर्स काउंट करोगे, तो 7 आवर्स पे आपका ए प्लस बी भरेगा, ठीक है? काउंट करके देखना यहाँ से 1 2 3 4, देन ए प्लस बी, देन ए प्लस सी, तो आपका लास्ट में ए प्लस बी आएगा 7th आवर्स पे, ठीक है? तो 7th आवर्स पे 9 लीटर और फिल करना है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 5 प्लस 4 9 है, ठीक है? तो 9 लीटर डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 आवर तो ये हो गया, प्लस 8 आवर यहाँ पे आपका पहले से है, ठीक है? देखिए यहाँ पे, सॉरी 6 आवर आपका पहले से है यहाँ पे, ये रहा आपका, ठीक है? 6 आवर प्लस 1 आवर तो कितना हो गया, 7 आवर आपको टोटल लगेंगे फिल करने में टंकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टैप इन 4 आवर्स व्हाइल इट कैन बी एम्प्टी बाय अनदर टैप इन 7 आवर्स। इफ बोथ द टैप आर ओपन अल्टरनेटिवली, इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, देन हाउ मच टाइम विल सिस्टम गेट फिल्ड, ठीक है? यहाँ पे सिंपली मतलब क्या है, ए आपका 4 घंटे ले रहा है भरने में, और बी आपका खाली करता है कितने घंटे में, आपका 7 घंटे में, तो इसको मैं प्लस में ले रही हूँ, इसको माइनस में, ये आपका खाली कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक पाइप खाली कर रहा है, तो आपको पहले से ही 28 माइनस 7 कर देना है, कितना कर देना है, 7, कौन सा पाइप खाली कर रहा है, ये वाला, तो 7 आप यहाँ से माइनस कर दोगे, ठीक है? इसकी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 7 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 4 है, ठीक है? तो 7 ही आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है? अब देखिए 2 घंटे में कितना भर पा रहा है, यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, 3, ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? 2 घंटे में 3 यूनिट फेल हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 28 यूनिट फिल करना है, तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 14 आवर्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, 21, ठीक है? अगर मैं 8 से करूंगी, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो आपका, देखिए हमें किस से मल्टीप्लाई करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 21 यूनिट आ जाए, क्योंकि हमें किससे भरवाना है, ठीक है? हमें ए से भरवाना है ना, बी से तो हम भरवा नहीं सकते क्योंकि बी खाली कर रहा है, तो इसलिए मैंने -7 पहले कर दिया था, और हमें 21 यूनिट ही लाना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 यूनिट आ गया। चलिए अब 21 यूनिट तो फेल हो चुका है, कितने घंटे में, 14 घंटे में, ठीक है? अब बचा कितना और, कितना यूनिट फिल करना है यहाँ पे हमें, 7 यूनिट और फिल करना है, वो कौन फिल करेगा, ए फिल करेगा, क्योंकि ए ही तो भर रहा है,
बी तो खाली कर रहा है ना, तो हमें तो ए फिल ए से काम करवाना है, तो 7 यूनिट अपॉन 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7/7/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 + 1, तो कितना हो जाएगा 15 आवर्स टोटल लगेंगे टंकी फिल होने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पाइप A and B कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट एंड 40 मिनट, अ वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी इन 20 मिनट, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट, सी इज ऑल्सो ओपन। तो ए तो भर रहा है 20 मिनट में, बी भर रहा है 40 मिनट में, सी खाली कर रहा है 20 मिनट में, ठीक है, सी खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम में लूंगी, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2, 1 and -2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे 40 लीटर पूरा फिल करना है हमें। ए प्लस बी तो स्टार्टिंग से चालू थे, 7 मिनट के बाद सी भी चालू हो गया, ठीक है। तो 7 मिनट तक तो हमें काम किया है ना ए प्लस बी ने, तो 7 × कितनी एफिशिएंसी से काम किया है इन दोनों ने, 3 एफिशिएंसी से। आपको अगर पता होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू जितना भी हमने काम किया है, ठीक है, मतलब जितना फिल किया है ये काम किया है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इंटू एफिशिएंसी कर दी तो हमारा काम निकल के आ गया, 21 यूनिट फिल हो चुका है। बचा कितना, 19 लीटर और फिल करना है, वो तीनों मिलके करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 19/1 कितना हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 19 मिनट लगेंगे फिल होने में, ठीक है। अगर वो बोलेगा स्टार्टिंग से कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे आप 7 भी ऐड कर दोगे, 19 + 7 यहाँ पे 26 हो जाएगा, टोटल टाइम 26 है, और जब 7 मिनट बाद कितना टाइम लगा, तो 19 मिनट टाइम लगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, अगर उसने टोटल टाइम पूछा है तो टोटल आप कर दोगे 19 + 7 दैट इज 26, एंड अगर उसने पूछा है कि ए प्लस बी 7 मिनट बात करने के कितना टाइम लगा, तो 19 मिनट लगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 पाइप A and B कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट एंड 30 मिनट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दीज पाइप आर ओपन फॉर 1 मिनट ईच, यानी कि 1 मिनट के लिए चालू है, स्टार्टिंग किससे हुई है, ए से हुई है, तो सिंपल है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, तो हमें 60 यूनिट फिल कराना है। 2 घंटे में कितना यूनिट फिल करते हैं, 5 लीटर फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 12 से, तो ये हो जाएगा 60, या तो एग्जैक्ट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, या तो 60 आ जाए, या 60 से कम आए, ठीक है, 60 के पास आए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं 12 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो एग्जैक्ट 60 आ रहा है, यानी कि आपको क्या हो 12 घंटे लगे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे 24 घंटे में 60 मिनट पूरा फिल हो रहा है, 24 घंटे आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी बी है, तो बी से अगर स्टार्टिंग होगी तब भी आपका 24 मिनट आएगा, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही सिंपल ले लेती हूँ, 60 3 and 2 5 यूनिट कितने घंटे में, 2 घंटे में फिल हो रहा है, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 24 आवर्स में 60 लीटर फिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये सेम चीज यहाँ पे आई, क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीप्लाई के बाद आपका 60 आ रहा है, तो आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है तो, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन सेम है जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया आपको पहला, चाहे पाइप ए भरे चाहे बी भरे, अगर पूरा यूनिट आपका कंप्लीट यहाँ पे 60 मिल रहा है मल्टीप्लाई करके, तो आपका वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, पसंद आती है तो शेयर जरूर करना, और लिंक मैं दे दूंगी 1, 2, 3 का, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बैंकिंग SSC दोनों के लिए ये, ठीक है, रेलवे के लिए भी है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी।